राधे कृष्णा भक्त जनों, सोनी टैलेंट हबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने दीपक के ऊपर एक और वीडियो लेकर आई हूँ, पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि पूजा के दीपक जो जलाने चाहिए उसमें हमें क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको पड़ सकता है पछताना या फिर आपसे माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं, नाराज़ हो सकती हैं। तो चलिए आज मैं आपको इसी चीज़ के ऊपर जानकारी दूंगी और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, वरना आप हमारी जानकारी को पूरी तरह से नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जानकारी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दीपक हमारे हिंदू धर्म में पूजा में दीपक का प्रज्वलन करना या कोई भी शुभ कार्य में दीपक का प्रज्वलन करना बहुत ही ज़रूरी है एवं अनिवार्य है। इसके बिना हमारी पूजा अधूरी रहती है। कोई भी पवित्र काम हो, मंगल काम हो, उसमें दीपक का प्रज्वलन करना बहुत ज़रूरी होता है। और दीपक की जो जलाने की प्रथा है कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में, वो प्राचीन काल से चली आ रही है। ये कोई भी नई परंपरा नहीं है। तो जो दीपक हम लगाते हैं वो हम दो तरह का लगाते हैं। पहला तो दीपक हम तेल का लगाते हैं और दूसरा घी का लगाते हैं। तो याद रखिए, जब आप तेल का दीपक लगाते हैं तो उसमें कलावे का इस्तेमाल करें जलाने के लिए, और जो घी का दीपक हम लगाते हैं उसमें रुई का इस्तेमाल की जाती है बाती के रूप में। तो अगर आप घी दीपक जो है वो घी का लगा रहे हैं तो उसमें रुई की बाती का इस्तेमाल करें, और अगर तेल का लगा रहे हैं तो उसमें कलावे की बाती का प्रयोग करें। कभी भी दीपक खंडित प्रयोग ना करें, टूटे फूटे दीपक नहीं जलाने चाहिए। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि अरे क्या होगा जला देते हैं, पर वो चीज़ हमें नहीं करना है। इससे बहुत नुकसान होता है और हमारे प्रभु और जो भी ईश्वर हैं जिनको भी हम वो दीपक लगा रहे हैं वो हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से हमें सही फल प्राप्त नहीं होता है। दूसरा है कि दीपक जब भी हमें जलाना चाहिए उसकी दिशा हमें सही दिशा में जलाना चाहिए, क्योंकि दिशा बहुत महत्वपूर्ण रखती है दीपक के मामले में। तो दीपक आप जब भी प्रज्वलित करें वो हमेशा उत्तर पूर्व की दिशा में ही प्रज्वलित करें। जी हाँ, इससे सुख संपत्ति आती है, खुशियाँ आती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। उत्तर पूर्व में दीपक हमेशा, आपकी जो दीपक की लौ होनी चाहिए वो उत्तर पूर्व में ही होनी चाहिए। और दीपक जब भी आप जलाएं तो साफ सुथरे ही जलाएं। कहा जाता है कि आप अगर ईश्वर को दे रहे हैं तो लगा रहे हैं, कुछ भी चीज़ भोग दे रहे हैं, तो हमेशा हर चीज़ को साफ़ सुथरे ढंग से ही होता है। जो भी चीज़ आप चढ़ा रहे हैं या फिर दीपक लगा रहे हैं वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो पवित्र कर लीजिए, साफ़ सुथरा कर लीजिए, उसके बाद ही ईश्वर को अर्पित करें। क्योंकि हम भी झूठे थाली में नहीं खाना पसंद करते हैं, हम लोग भी साफ़ सुथरे बर्तन में ही खाना पसंद करते हैं। तो ईश्वर को भी उसी स्वरूप में आप इस तरीके से पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। तो उत्तर पूर्व जो दिशा है वो हमेशा शुभ होता है दीपक के लिए। तो दीपक में कुछ कुछ चीज़ हैं जो दीपक जलाने से पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे हमारी पूजा संपूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।